नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे तेज न्यूज। इस वक्त हम मौजूद हैं घोसी लोकसभा के मतगणना स्थल पर। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से हाईटेक ये मीडिया सेंटर बनाया गया है, और मीडिया सेंटर में जो बैठे लोग हैं वो किस तरह मौजूद हैं। करीब 1000 से ज्यादा पत्रकारों की यहाँ आने की उम्मीद है, लेकिन फिलहाल यहाँ पे जो पत्रकार हैं वो 100 की संख्या में है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर लोग मौजूद हैं। सीधे बात करेंगे, यहाँ पर हाईटेक व्यवस्था है, और पत्रकारों का जो पैनल बैठा हुआ है वो क्या सोचता है, हम आपसे रूबरू कराते हैं। यहाँ पे वरिष्ठ पत्रकारों का पूरा पैनल है, क्या सोचते हैं आज, क्या किस तरह से यहाँ घोसी लोकसभा में कौन जीतेगा। अभी मतगणना शुरू नहीं हुई है और तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। हम लोग मीडिया कैंपस में बैठे हुए हैं। मतगणना जो है जब शुरू होगा उसके बाद ही कुछ अनुमान लगाया जा सकता है कि कौन आगे रहेगा, कौन पीछे। आपने कवरेज किया, क्या कुछ निकल के आया, कौन जीतता है, कौन किस तरह से आपको दिखेगा? अब चूंकि जातीय समीकरणों के आधार पर और राष्ट्रवाद के मुद्दे के आधार पर यहाँ चुनाव हुए हैं, तो ऐसे में कुछ कहना बहुत ही कठिन है, क्योंकि सामान्य भाव में इसको नहीं कहा जा सकता कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है जब तक कि गणना शुरू ना हो जाए। टक्कर जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त टक्कर है और कांटे की टक्कर है। कोई भी हार सकता है, गठबंधन भी जीत सकता है और भाजपा प्रत्याशी भी जीत सकते हैं। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे जो टीवी लगाई गई है वो भी मीडिया स्थल पे लगाई गई है, और मीडिया कर्मियों के लिए लगातार हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से अपने अपने टीवी चैनलों में, अपने समाचार पत्रों में ये अपने जो वोट हैं वो भेजने के लिए तैयार हैं। कुछ लोग और हैं, बात करते हैं। क्या सर, क्या देख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं? हम आपको बता दें कि अभी मतगणना शुरू होने जा रही है। अभी तक हम लोगों के पास बैलेट पेपर की कितनी संख्या है वो बताई गई है सूचना विभाग के द्वारा, और थोड़ी देर में क्या है बैलेट पेपर का क्या? कुल 4363 बैलेट पेपर से वोट आए हुए हैं, जिसकी पहले गणना होगी, उसके बाद जो है बैलेट मशीन खोली जाएगी और उसके बाद अभी उसकी गणना नहीं, अभी उसकी गणना शुरू नहीं। तो मैं तस्वीरों में दिखाऊँ किस तरह से यहाँ पर पूरा जो है पैनल वो भी बैठा हुआ है। मैं अंदर चलता हूँ, उनसे बात करता हूँ किस तरह से यहाँ पर जो लोग हैं वो काफी संख्या में हैं, और किस तरह से यहाँ पर जो पैनल है पत्रकारों का वो यहाँ पर है। सीधे रुक करते हैं, कुछ वरिष्ठ पत्रकार भी बैठे हुए हैं, उनसे बात करते हैं कि क्या कुछ देखना हुआ है। सर, सुबह से आप आए हुए हैं, किस तरह से देखते हैं यहाँ पर जो मतगणना शुरू है, और वो यहाँ पर किस तरह की लड़ाई है? लड़ाई अभी यहाँ सीधे मुकाबले की लग रही है। यहाँ पे गठबंधन प्रत्याशी और भाजपा के बीच में ही मुख्य लड़ाई देखने को मिल रही है। हालांकि मतगणना शुरू होने वाली है और रुझान यही लगता है कि जल्द आने लगेगा। तो रुझान जल्द आने लगेगा, मतगणना शुरू होने वाली है। कुछ लोग और हैं, क्या देखते हैं सर कि किसकी लड़ाई है, कौन यहाँ से जीतेगा? अभी कुछ कहना वो नहीं है, दोनों लड़ाई बहुत टफ है। तो आप देख सकते हैं पत्रकार भी अभी भी असमंजस में हैं, और पत्रकारों का जो यहाँ पे पत्रकार मौजूद हैं उनसे भी हमने बात किया तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे कांटे की लड़ाई है। पूरा पत्र आपने कवरेज किया, पूरा चुनाव, अब मतगणना की बारी है और 23 के बाद नतीजे आएंगे आपसे कुछ देर बाद जब मतगणना शुरू होगी, क्या देखते हैं आप? भाजपा और महागठबंधन के बीच जबरदस्त टक्कर है, और लगता है कहीं ना कहीं महागठबंधन आगे जा सकती है, जिस तरह से आंकड़ा बता रहे हैं, जिस तरह सर्वे भी हम लोग किया है जिसमें महागठबंधन की बढ़त हो सकती है, महागठबंधन की बढ़त दिखा रहे हैं। आपको क्या लगता है किस तरह से? कांटे की टक्कर है, कांटे की टक्कर। जी जी बिल्कुल, तो देखना दिलचस्प होगा क्योंकि कांटे की टक्कर है यहाँ पर और महागठबंधन और बीजेपी के बीच में है। आगे बने रहिए सबसे तेज न्यूज के साथ, आगे ताजे तरीन वीडियो से आपको रूबरू कराएंगे। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेटेस्ट वीडियो अपडेट के लिए घंटी बटन दबाएं।